हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास टेंथ की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत इजी सिंपल सी पोएम है जिसे हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है? अब पेपर में आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, जल्दी से जल्द, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2 से 3 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, 2 से 3 बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है बच्चा धतूरे का पेड़, बहुत पॉइसनस ट्री होता है ये, जहरीला पेड़, इसका हर पार्ट जहरीला होता है। इस पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स भी खिलते हैं जो कि वो भी बहुत जहरीले होते हैं, पूरा पेड़ ये जहरीला होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. Rude का मतलब होता है बेटा regret। ये आपके एग्जाम में MCQ में आ सकता है, ओके? Rude का मतलब होता है regret, ठीक है? Poet कह रहे हैं, मैं एक बार रास्ते से जा रहा था, मेरे ऊपर एक धतूरे का पेड़ था, यानी हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक ट्री के नीचे से मैं जा रहा था, हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है जो कि थोड़ी सी धूल झाड़ता है, कुछ मूवमेंट करता है जैसे कि धूल गिरती है, स्नो गिरती है, ठीक, जो कि पॉइंट के कंधे पे आकर गिर जाती है। और जो पॉइंट होते हैं वो सुबह से अपसेट होते हैं, वो दिन बहुत बुरा होता है, सैड होता है, सैड होते हैं वो उस दिन। लेकिन जब क्रो ने स्नो झाड़ी और जो पोइट होते हैं वो खुश हो जाते हैं, उनका दिल हल्का हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाते हैं एंड वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि नेचर बहुत पॉजिटिव है। बस इतना ही पोइट कह रहे हैं, बहुत इजी से सिंपल पोएम है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।